डियर स्टूडेंट्स, हेलो, आप सबका मेरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज मैं आपको वैरायटल आइडेंटिफिकेशन मेथडोलॉजी के बारे में बताऊंगा। वैरायटल आइडेंटिफिकेशन, इसका सबसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य सीड प्यूरिटी और जेनेटिक प्यूरिटी एनालिसिस के समय में होता है। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका डिटरमिनेशन ऑफ जेनेटिक प्योरिटी ऑफ सीड लॉट्स, मतलब अनुवांशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी, अनुवांशिक शुद्धता। किसी भी बीज ढेर की अनुवांशिक शुद्धता की जांच के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसके मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जांच की विधियां दो प्रकार की हैं। पहली है फील्ड मैथड या प्रक्षेत्र विधि, इसमें ग्रो और टेस्ट किया जाता है। दूसरी है लैब मैथड या प्रयोगशाला विधि, इसमें जल इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम ग्रो और टेस्ट मेथोडोलॉजी के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले देखेंगे ऑफिशियल मेथड, ये एक आधिकारिक मेथड है जेनेटिक प्योरिटी या अनुवांशिक शुद्धता को जांचने के लिए। इसके द्वारा प्री एंड पोस्ट कंट्रोल हम कर सकते हैं। प्री एंड पोस्ट कंट्रोल से तात्पर्य है कि प्री पूर्व और पोस्ट बाद में, एक ये कंट्रोल विधि है, जांच करने की विधि है। यदि कोई बीज ढेर की अनुवांशिक शुद्धता को जांचना है तो हम पहले इसकी शुद्धता जांच सकते हैं ग्रो टेस्ट या इलेक्ट्रोफोरेसिस के मेथड में। और अगर वो बीज ढेर बीज के रूप लेकर के बोरे में सील पैक होकर के मार्केट में भी चला गया है तो भी हम उसको जांच करके हम उसकी अनुवांशिक शुद्धता को जांच सकते हैं। और यदि वो बीज ढेर मानक रूप में नहीं प्राप्त होता है तो उसी समय पर हम मार्केट में एक रिपोर्ट दे करके उस ढेर को बेचने से रोका जा सकता है। यह वस्तुतः 4 साल में एक बार किया जाता है। किसी भी वैरायटी, किसी भी किस्म की जांच हर 4 साल में एक बार आंशिक शुद्धता की जांच की जानी आवश्यक होती है। दूसरा है प्री रिक्विजिट ऑफ हाइब्रिड सीड सर्टिफिकेशन। यदि कोई हाइब्रिड या संकर किस्मों को हम प्रमाणित करते हैं तो उसके लिए सबसे पूर्व आवश्यकता है, प्री रिक्विजिट पूर्व आवश्यकता है हाइब्रिड सीड सर्टिफिकेशन के लिए। उदाहरण के रूप में कॉटन, कैस्टर, अरंडी, ब्रिंजल, भिंडी, मेलन, मस्क मेलन, इन फसलों में ये मुख्यतः उपयोग किया जाता है। इसके लिए जो सैंपल है, नमूना हम साथ में ही ले सकते हैं दूसरे नमूनों के साथ में जिसमें हम सीड टेस्टिंग करते हैं। अलग से नमूना लेने की आवश्यकता नहीं है। सैंपल साइज जो है ये, हाँ ये एक ध्यान देने वाली बात है, जो नमूने का साइज है वो कम ज़्यादा होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सीड अगर बिग है, बड़े बीज हैं, उसके लिए 1000 ग्राम लेने की आवश्यकता होती है, उदाहरण के रूप में मेज और कॉटन है। दूसरा, यदि सीड मीडियम साइज है, मध्यम आकार के हैं, उसके लिए 500 ग्राम सीड सैंपल लिया जाता है। एग्जाम्पल सॉर्गम, वीट या पैटी है। स्मॉल साइज सीड अगर आपके पास में है, छोटे दाने हैं, तो उसके लिए 250 ग्राम सीड सैंपल लिया जाता है। एग्जाम्पल बीटा स्पीसीज है। और अगर बहुत छोटे हैं तो उसके लिए बाजरा, जूट, एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे मैंने, इसके लिए 100 ग्राम सीड सैंपल लिया जाता है। स्पेसिफिक प्रकार के कुछ फसलें हैं जैसे पोटैटो, आलू या मीठा आलू, शकरकंद, उसके लिए 250 ट्यूबर्स लिए जाते हैं। साइज ऑफ वर्किंग सैंपल, जब हम इन सैंपल को लेने के बाद में लैब में कार्य करते हैं तो वहाँ पे वर्किंग सैंपल के साइज को छोटा करना पड़ता है। अब 1000 ग्राम तो हम उगा नहीं सकते, 500 ग्राम तो उगा नहीं सकते, इसके लिए बहुत बड़े खेत की आवश्यकता होगी। तो वर्किंग सैंपल के साइज को छोटा करने के लिए हाविंग मेथड, हाथ से हाफ करना, हाथ से अलग करके आधा आधा करना, हैंड हाविंग, हस्त विधि का हम उपयोग करते हैं और सैंपल साइज को छोटा करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट की जो रिक्वायरमेंट होती है ये 400 होती है, तब होती है जब जेनेटिक प्योरिटी 99.0% हो। यदि हमें 99.0% की जेनेटिक प्योरिटी का आकलन करना है तो उसके लिए हमको मिनिमम 400 प्लांट लेने पड़ते हैं।
जैसे जैसे हम जेटी क्यूटी को बढ़ाते जाते हैं, इन प्लांट्स की संख्या बढ़ती जाती है, ये 400 से 4000 तक भी हो जाते हैं। तो आप इस बात को सोच सकते हैं कि ग्रो टेस्ट जो है एक बहुत ही कठिन विधि है, क्योंकि यदि हम जेटी क्यूटी को बढ़ाते जाएंगे तो बहुत सारे प्लांट्स की पॉपुलेशन हो जाएगी और उसको मेंटेन करना, मैनेज करना एक कठिन कार्य होता है। फिर आते हैं लोकेशन पे, हम इसको किस लोकेशन पे लगाएं। तो लोकेशन जो होगी वो क्लाइमेटिकली सूटेबल होनी चाहिए, मतलब जलवायु अनुकूलित होनी चाहिए, या फिर इसको ऑफ सीजन नर्सरी में भी हम लगा सकते हैं। ऐसी साइट्स जो कि ऑफ सीजन में भी, दूसरे सीजन में हम उसको लगा सकते हैं, या फिर इसके साथ साथ में हम इसको पॉली हाउस, ग्लास हाउस में भी लगा सकते हैं, जहाँ पे हम तापमान, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मेंटेन करके उसको क्रॉप साइकिल उसी तापमान में दे सकते हैं जो उसके जलवायु अनुकूलन के अनुसार होता है। इसको लगाने के साथ में हमको स्टैंडर्ड सैंपल भी लगाना होता है। स्टैंडर्ड सैंपल क्या होता है कि उस वैरायटी का ट्रू सैंपल होता है जिस वैरायटी का हम टेस्ट कर रहे हैं, और उसको हम एक जज के रूप में लगाते हैं। तो ये जो जज के रूप में लगाते हैं, इसी से हम ग्रो और टेस्ट जो हमने सैंपल लिया हुआ है उसको जांच करते हैं और फिर हम उस पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसको लगाने के लिए स्टैंडर्ड पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होती है एग्रोनॉमी की। अब एग्रोनॉमी में आप सबको पता है कि कौन कौन सी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं, कि फील्ड प्रिपरेशन से लेकर के प्रॉपर सोइंग टाइम, लैंड प्रिपरेशन, प्रॉपर इरीगेशन, मैन्यूर, सीड रेट, प्लांट टू प्लांट पॉपुलेशन, रो टू रो पॉपुलेशन, है ना, ये सारी चीजें, और साथ में कंट्रोल ऑपरेशंस हम देखते हैं, तो उसमें डिजीज कंट्रोल और इंसेक्ट कंट्रोल जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, उन सभी को यूज करते हुए ही हमको ये टेस्ट करना है। ऑब्जर्वेशन हमें कब लेना है, ग्रो टेस्ट आपने किया, ऑब्जर्वेशन कब लेने हैं, तो मुख्यतः इसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो फ्लावरिंग, मतलब पुष्पन से पकने तक की आपको ऑब्जर्वेशन लेनी है, और आपको मुख्यतः ध्यान रखना है कि इस दौरान ऑफ टाइप प्लांट्स, मतलब ऑफ टाइप प्लांट्स की संख्या कितनी है। तो ऑफ टाइप क्या होते हैं, जो मेन प्लांट से ऑफ टाइप दिखते हैं, दूसरे रूप में दिखते हैं। जैसे गेहूं का आपने ग्रोअर टेस्ट लगाया है, तो जो मुख्यतः यदि आपने सुजाता वैरायटी का ग्रोअर टेस्ट लगाया है तो उसमें सुजाता के ही सारे पौधे होने चाहिए, ये ना कि HD 29-32 का कोई पौधा उसमें दिखाई दे दे। यदि HD 29-32 का कोई पौधा दिखाई दे रहा है तो वो सुजाता के ग्रोअर टेस्ट में ऑफ टाइप माना जाएगा। ऑफ टाइप मुख्यतः लीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ईयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इन बेसिस पे, या फिर प्लांट के हाइट बेसिस पे भी हम उसको जांच सकते हैं, इसके अलग मेजर्स होते हैं। लास्ट में कैलकुलेशन एंड रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, मतलब जो भी आपने लगाया है उसमें कैलकुलेट कितना ऑफ टाइप हुआ और रिजल्ट्स को हम जांच करते हैं। तो हम इसमें फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक की संख्या को लेते हैं और टॉलरेंसेस टेबल का भी हम इसमें यूज करते हैं कि हम कितने प्लांट्स की संख्याओं को टॉलरेट कर सकते हैं और अदर स्पीसीज की संख्या क्या आई है, ऑफ टाइप की संख्या क्या आई है, इनको हम रिपोर्ट में बनाते हैं और देखते हैं। यदि ऑफ टाइप की संख्या 15% से ज़्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस सीड लॉट में मिक्सचर ऑफ वैरायटीज हैं। तो इस तरीके से हम ग्रो टेस्ट को लगा सकते हैं और ग्रो टेस्ट को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। इसके बाद में मैं दूसरा टॉपिक ले लूँगा, लैब मैथड, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैथड। तो जल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैथड एक प्रयोगशाला विधि है। इस प्रयोगशाला विधि में हमें पौधों को लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें हमको DNA निकालना पड़ता है या फिर उसकी प्रोटीन की प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है। बीज से हमें DNA या प्रोटीन निकाल करके उसको पॉलीएक्रिलामाइड जेल में रन करना पड़ता है स्टैंडर्ड सैंपल्स के साथ में। तो जब स्टैंडर्ड सैंपल्स के साथ में वो टेस्ट सैंपल्स का DNA या प्रोटीन रन करता है तो जिस स्टेज में आकर के दोनों एक साथ रेफरेंस बैंड के साथ में मिल जाते हैं तो हम एनालिसिस कर सकते हैं कि वो सेम सैंपल है, क्योंकि DNA और जो प्रोटीन है वो
एनवायरनमेंट के साथ में कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो अपना कंसंट्रेशन बना के रखते हैं, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम ग्रो आउट टेस्ट की जो विधियां हैं और साथ में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।